प्रयागराज के शिव मंदिरों में महाकुंभ के तहत होने वाले विकास कार्य सावन के सोमवार को रहेंगे बंद। शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए लिया गया निर्णय। प्रभु राम के भक्तों के लिए खुशखबरी, अयोध्या में बनाया गया सेल्फी पॉइंट, रामलला की प्रतिछवि के साथ श्रद्धालु ले सकेंगे सेल्फी। पश्चिम बंगाल के दीघा में बन रहा जगन्नाथ मंदिर, मंदिर में भगवान जगन्नाथ सहित बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की भी होगी प्रतिमा। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थानीय भक्तों के लिए अलग से बन रहा काशी द्वार, सावन में स्थानीय निवासियों को नहीं होगी दर्शन में असुविधा। भगवान शंकर के प्रिय सावन माह की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में महाकुंभ के मद्देनजर प्रयाग के शिवालयों में कराए जा रहे विकास कार्य सावन के सभी सोमवार को बंद रहेंगे। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि जलाभिषेक के लिए लगने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कार्य बंद रखा जाएगा। पर्यटन विभाग महाकुंभ के लिए प्रयागराज के प्रसिद्ध प्राचीन दशाश्वमेघ मंदिर, नाग वासुकी मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर सहित कई प्रमुख शिव मंदिरों में सौंदर्यीकरण का कार्य करा रहा है। प्रभु राम के भक्तों के लिए खुशखबरी है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि पथ पर दो सेल्फी पॉइंट बनवाए हैं, जिसे गर्भगृह की तरह सजाया और संवारा गया है। अब यहां देश दुनिया से आने वाले राम भक्त रामलला की प्रतिछवि के साथ सेल्फी ले सकेंगे। मंदिर परिसर में सुरक्षा कारणों से मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट की ओर से ये सुविधा शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल के दीघा में पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनाया जा रहा है। ये मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर जितना ही ऊंचा और भव्य होगा। मंदिर के आसपास का डिजाइन भी पुरी के मंदिर की तर्ज पर होगा। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ साथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की पूजा की जाएगी। मंदिर के उद्घाटन और रथ यात्रा के संशय को खत्म करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि अगले साल तक मंदिर का निर्माण कार्य खत्म हो जाएगा और यहां भी रथ यात्रा निकाली जाएगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के दौरान काशीवासियों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने अपनी सहमति से काशीवासियों के लिए काशी द्वार नामक अलग से रास्ता बनाने का निर्णय लिया है, ताकि सावन में स्थानीय निवासी बिना किसी अड़चन के पूजा अर्चना कर सकें। हालांकि सावन को देखते हुए बाहरी श्रद्धालुओं के लिए भी दो अतिरिक्त द्वार बनाए जा रहे हैं। सावन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए देश भर से भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। देश की राजधानी दिल्ली में भी पुरी की तरह हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है। इस वर्ष भी यात्रा चांदनी चौक के भगवान जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ जी के नानी के घर तक निकाली गई, जो मंदिर के पास ही स्थित है। ये यात्रा धार्मिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। पुरानी दिल्ली के भगवान जगन्नाथ मंदिर में पिछले 300 वर्षों से रथ यात्रा का आयोजन होता आ रहा है। उत्तराखंड के मसूरी में आर्यम इंटरनेशनल फाउंडेशन के तत्वावधान में संचालित भगवान शंकर आश्रम में मां अन्नपूर्णा भंडारा कार्य योजना के अंतर्गत गुप्त नवरात्र की शुभ वेला पर अति निर्धन और वंचित 22 परिवारों को मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अभियान के तहत अति निर्बल, बीमार और आने में असमर्थ परिवारों को राशन उनके घरों पर भी पहुँचाया जाता है।